Hello friends, welcome to my channel AMI subject. Friends, today I am going to discuss about society, economics and development. So friends, what is society? The people around us is called a society. जो हमारे आसपास रहने वाले लोग होते हैं वो सोसाइटी क्रिएट करते हैं. सो फ्रेंड्स, सोसाइटी हमसे चलती है ना कि हम सोसाइटी से चलते हैं. जैसे कि मान लीजिए एक कोई लड़का है तो उस लड़के का रिलेशन बहुत सारी चीज़ों से बनता है और वो सारी चीज़ें मिलकर एक सोसाइटी क्रिएट करती हैं. जैसे आप मान लीजिए कि वो लड़का अगर स्कूल जाता है तो उसका रिलेशन स्कूल से बनता है. स्कूल में बहुत सारे लोग रहते हैं तो उनसे उनकी सोसाइटी क्रिएट हो जाती है. ऐसे अगर वो हॉस्पिटल जाता है तो हॉस्पिटल से उसका रिलेशन बनता है जिससे वो सोसाइटी क्रिएट होती है. ऐसे ही फ्रेंड्स, अगर वो टेम्पल जाता है तो टेम्पल में भी सोसाइटी क्रिएट हो जाती है. सो फ्रेंड्स, जहाँ जहाँ वो जाता है, जिस जिस चीज़ों से रिलेशन बनता है, वो सारी चीज़ें मिलकर एक सोसाइटी क्रिएट कर देती है. अब फ्रेंड्स, सोसाइटी या सोशियोलॉजी का रिलेशन किस किस चीज़ों से होता है? सो फ्रेंड्स, हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे कि सोसाइटी का रिलेशन होता है वो इकोनॉमिक्स से होता है. जैसा कि मान लीजिए कि आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो आप जिससे खरीदने जा रहे हैं वो भी एक इंसान ही है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पे पैसे का लेन देन कर रहे हैं. आप जा रहे हैं, उसको पैसे दे रहे हैं, वो आपको सामान दे रहा है, तो वहाँ पे सोसाइटी तो है लेकिन वहाँ पे इकोनॉमिक्स आ गया. सो फ्रेंड्स, ये ऐसे होता है इकोनॉमिक्स रिलेशन. अब आता है पॉलिटिक्स रिलेशन. सो फ्रेंड्स, पॉलिटिक्स में रिलेशन इस तरीके से बनता है कि जैसे मान लीजिए हम एक सोसाइटी हैं, सोसाइटी क्रिएट कर दिए. अब सोसाइटी को चलाने के लिए किसी एक हेड की ज़रूरत होती है. उस हेड को हम सोसाइटी के मेंबर ही मिल के उसको इलेक्ट करते हैं और उसको हेड बना देते हैं जिससे वो सोसाइटी का देखभाल करता है. सो फ्रेंड्स, ये पॉलिटिक्स आ गया. अब दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स को ब्रीफ में अगर हम करते हैं तो मान लीजिए कि आप कोई इंडस्ट्री चलाते हैं, तो इंडस्ट्री चलाते हैं तो बहुत वो सोसाइटी का हिस्सा है. सोसाइटी से ही आप इंडस्ट्री चला रहे हैं लेकिन वहाँ पे आप पैसे का लेन देन कर रहे हैं. आप कोई भी चीज़ बनाते हो इंडस्ट्रीज़ में, बनाने के बाद उसको आप सेल करते हो. सेल भी आप सोसाइटी में ही करते हो लेकिन आप वहाँ से पैसे लेते हो. तो ये हमारा हो गया इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स हमारा पैसे से रिलेट करता है. जहाँ जहाँ सोसाइटी में जहाँ जहाँ भी पैसे से कोई भी चीज़ रिलेट करेगा वो हमारा इकोनॉमिक्स में आएगा. अब तीसरी चीज़ आती है फ्रेंड, डेवलपमेंट. डेवलपमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि डेवलपमेंट से बहुत सारे चीज़ जुड़े हुए हैं. जैसे मान लीजिए डेवलपमेंट किसी भी चीज़ का, किसी कंट्री का डेवलपमेंट, किसी स्टेट का डेवलपमेंट, किसी डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट. तो डेवलपमेंट क्या होती है? अगर मान लीजिए कोई किसी कंट्री का डेवलपमेंट करना है तो डेवलपमेंट में आप सबसे पहले क्या क्या चीज़ करेंगे? सबसे पहले आप अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करेंगे, यानी कि बेरोजगारी ख़त्म करेंगे. दूसरी चीज़, हमारे जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसमें हम सबसे चीज़ें पॉलिटिक्स को अपने मजबूत करेंगे, जिससे कि जो भी हमारा बजट है वो बजट कुछ अच्छे कामों के लिए यूज़ हो. तीसरी चीज़, हम अपने देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाएंगे जिससे कि हमारा देश काफ़ी मजबूत हो. न्यूक्लियर पावर सोर्स बढ़ाएंगे. तो ये सारी चीज़ हमारे डेवलपमेंट में आती है. अब फ्रेंड्स, हम बात करेंगे अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ की. अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ क्या होती है? सो फ्रेंड्स, अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ इन द सेंस ये होता है कि अगर किसी भी देश का रियल कैपिटल इनकम 10% से कम है, किसकी अपेक्षा? US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और वेस्टर्न यूरोप से. अगर इन सब से 10% से कम है नेशनल रियल इनकम किसी भी देश का, तो वह अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ में आता है. फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड. तो इंटरनेशनल ट्रेड कैसे प्ले करता है इकोनॉमिक्स में? इंटरनेशनल ट्रेड यह कहता है कि जिस कंट्री का उत्पादन जिस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है, आप उसी क्षेत्र में ध्यान दीजिए. जैसे मान लीजिए कि इंडिया में एग्रीकल्चर के उत्पादन सबसे ज़्यादा है, तो एग्रीकल्चर में ही ध्यान दीजिए जिससे कि आप उसमें बढ़ सकें. क्योंकि फ्रेंड्स, सभी देशों में ये पॉसिबल नहीं है कि सभी देशों में एग्रीकल्चर किया जा सके. इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड ये कहता है कि आप अपने देश में एग्रीकल्चर को बढ़ाइए और एग्रीकल्चर से होने वाले जो भी प्रॉफिट है वो दूसरे देश में इम्पोर्ट करके आप प्रॉफिट कमाइए. ये इंटरनेशनल ट्रेड कहता है. जैसे कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे कच्चे तेल निकलते हैं, कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन जाते हैं. सो फ्रेंड्स, इंटरनेशनल ट्रेड का मेन मोटो यही है. वो यही कहता है
कि आप जो है जिस क्षेत्र में आपके उत्पादन लगता है आप ज़्यादा है आप उसी क्षेत्र में ध्यान दीजिए। अगर इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता तो क्या होता, अगर इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता तो सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक साथ काम करना पड़ता जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। डेवलपिंग कंट्रीज उस समय उस टाइम पे डेवलप्ड हो ही नहीं पाते, तो इंटरनेशनल ट्रेड ये रोल प्ले करती है। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे साइंस की, इंजीनियरिंग की और टेक्नोलॉजी की, ये तीनों क्या महत्व रोल करती हैं सोसाइटी में। सो फ्रेंड्स किसी भी सोसाइटी को एक मॉडर्न सोसाइटी बनाने के लिए साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का बहुत ज़रूरी होना है, क्योंकि साइंस के थ्रू हम प्लान करते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू उस पर काम करते हैं और इंजीनियरिंग के थ्रू हम सक्सेसफुल होते हैं। सो फ्रेंड्स साइंस और टेक्नोलॉजी कैसे एक दूसरे से रिलेशन बनाती है। फ्रेंड्स साइंस के थ्रू ही हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं। जब तक हम किसी चीज़ की प्लान नहीं करेंगे, जब तक हम कोई चीज़ सोचेंगे नहीं कि हम ये करना चाहते हैं, तब तक हम उस चीज़ के बारे में कर नहीं पाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स साइंस एक बहुत अहम रोल प्ले करता है किसी भी चीज़ में। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि प्लानिंग क्या होती है। सो प्लानिंग फ्रेंड्स किसी भी काम को करने से पहले हम उस चीज़ की प्लानिंग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप अगर सिविल लाइन में हैं तो आप कोई रोड बनाने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स अगर आप रोड बनाने जाते हैं तो रोड बनाते टाइम पे अगर आपसे कोई कह दिया कि आप जाइए वहाँ पे रोड बनाइए तो आप डायरेक्टली पहुँच कर तो रोड बनाएंगे नहीं, जाहिर सी बात है। उसके लिए आप पहले से प्लान करेंगे, उसके बारे में आप मैन पावर ढूंढेंगे, मैन पावर ढूंढने के बाद आप सोचेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो लाएंगे, उसके बाद जो है जो कंक्रीटिंग की व्यवस्था है उसके बारे में काम करेंगे। सो प्लान सबसे पहले आप हम सब उस चीज़ की प्लानिंग कर लेते हैं। जब उस चीज़ की प्लानिंग हो जाती है उसके बाद हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं कि हमें कौन कौन से रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे कौन कौन सी ज़रूरत पड़ेगी जिसके थ्रू हम काम करेंगे। सो फ्रेंड्स जब हमारी वो सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं उसके बाद हम जाके किसी भी चीज़ को काम करना स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग में सबसे मेन जो होता है वो होता है मैन पावर। मैन पावर मस्ट है, जहाँ पे मैन पावर नहीं होगा वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है प्लानिंग। सो फ्रेंड्स मैन पावर, हम कोई भी चीज़ की प्लानिंग करने जाते हैं कि या किसी भी जगह पे काम करने जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमें जो मटेरियल चाहिए होता है वो मटेरियल हमें इजिली प्रोवाइड हो जाए। सो फ्रेंड्स ये हमारी आती है प्लानिंग में। अब प्लानिंग हम क्यों करते हैं, प्लानिंग हम इसलिए करते हैं ताकि जब हम कोई भी काम स्टार्ट कर दें तो उस टाइम पे हमें कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए, कोई भी प्रॉब्लम्स हमारी क्रिएट ना हो, इस चीज़ के बारे में हम पहले ही प्लान करके फिर उस पर हम काम करना स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स ऐसे ही हमारा जो भी है, जो भी हम काम करते हैं इस चीज़ के बारे में हम सबसे पहले प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई विल अपलोड माई नेक्स्ट वीडियो सून।